हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वी कम टू द मोस्ट अवेटेड वीडियो दैट इज़ ALP प्रोग्राम्स। ठीक है, सो अब तक हमने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के इतने सारे इंस्ट्रक्शन डिस्कस किए, सारे इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट किए। पहले तो हमने डेटा ट्रांसफर ग्रुप, आफ्टर डेटा ट्रांसफर ग्रुप देन वी कंप्लीटेड द एरिथमेटिक ग्रुप, आफ्टर एरिथमेटिक ग्रुप लॉजिकल ग्रुप, फिर ब्रांचिंग ग्रुप अपना रह गया। ब्रांचिंग ग्रुप with respect to the example I will make it clear, but we had studied the instruction set. Why did we study the instruction set? हमने instruction set पढ़ा so that हम लोग अभी अपना assembly language programming कर पाएंगे. So assembly language programming is very very important in a board exam because 10 marks आपके CS2 के paper में आपको 10 marks मिलेगा from the assembly language program. So what is assembly language program? Assembly language program कैसे करना है, क्या करना है बाबा, बहुत tension है, बता दो कैसे करना है, एवरीथिंग विल बी क्लियर। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा अपने आप में ट्रस्ट रखो, ट्रस्ट द प्रोसेस। सी, फर्स्ट यू हैव टू क्लियर द इंस्ट्रक्शंस। अगर कोई स्टूडेंट इंस्ट्रक्शंस को स्किप करके डायरेक्टली अगर इस वीडियो पे आता है, गलत है। पहले इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट करने का, इंस्ट्रक्शंस को समझ के लेने का, इंस्ट्रक्शंस को समझ के लेने के बाद देन वी कैन कम टू द इंस्ट्रक्शंस। डायरेक्टली अगर जम मारोगे, डायरेक्टली एग्जाम के एक दिन पहले अगर निकालोगे वीडियो और निकालोगे बुक, चलो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस करेंगे, कोडिंग करेंगे, खत्म नहीं होगा। ठीक है, गड़बड़ कर दोगे। तो पहले इंस्ट्रक्शंस को क्लियर करने का, इंस्ट्रक्शंस क्लियर करने के बाद देन कम टू द प्रोग्रामिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ALP। सो व्हाट इज ALP? व्हाट इज प्रोग्राम? फर्स्ट पहले हमें प्रोग्राम पता होना चाहिए। अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू टेल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सो प्रोग्राम एक ऐसी चीज होती है जिसको बना के हम लोग कंप्यूटर को बता सकते हैं कि बाबा मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट? अगर मैं कंप्यूटर को या अगर माइक्रो प्रोसेसर को कुछ बोलूंगा, अगर मैंने 8085 को बोला ए भाई चल कर एडिशन, करेगा वो एडिशन? नहीं, उसको तुम्हें कमांड देना पड़ेगा, उसको पहले इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, उसको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। सो प्रोग्राम को हमें इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में देना पड़ेगा, फिर अपना 8085 अपना एडिशन जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, जो भी परफॉर्म करना है, फिर वो हमें करके बताएगा। डायरेक्टली अगर आपने बोला ए भाई 8085 चल कर टूज कॉम्प्लीमेंट कर, नहीं करेगा, बिकॉज हम जो बोलेंगे उसको समझेगा नहीं, तो हमें प्रोग्राम के थ्रू बताना पड़ेगा। द इंस्ट्रक्शंस आर सिलेक्टेड फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर। तो जितना मेहनत अपन ने किया 8085 कंप्लीट करने के लिए, सो वो सारे इंस्ट्रक्शंस को यूज करके हम बनाने वाले प्रोग्राम, और प्रोग्राम के थ्रू हम लोग बोल देंगे माइक्रोप्रोसेसर को कि मुझे क्या करना है। ठीक है, टू राइट अ प्रोग्राम वी डिवाइड अ गिवन प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर स्टेप इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ 8085 वी कैन परफॉर्म। हाँ, अपन क्या करेंगे, एक एक इंस्ट्रक्शंस को एक के बाद एक कंसेक्यूटिवली फायर करेंगे, एक साथ पूरे प्रोग्राम को देंगे नहीं। दीज स्टेप्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय फ्लो चार्ट। हाँ, अब आप CS2 के प्रैक्टिकल्स में देखो, आप हर कोड के पहले फ्लो चार्ट ड्रॉ करोगे। ठीक है, फ्लो चार्ट से अपना प्रोग्राम का मकसद क्लियर होगा, अपने प्रोग्राम का इंटेंशन क्लियर होगा, और प्रोग्राम को थोड़ा और इजी समझ सकते हैं विद हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट। दीज स्टेप्स कैन बी फर्दर ट्रांसलेटेड इनटू इंस्ट्रक्शंस। हाँ, आप जो फ्लो चार्ट में बना रहे हो आपका, तो उसी को आप इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, बट इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपका इंस्ट्रक्शन सेट पता होना चाहिए। ठीक है, सारे ग्रुप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, सो प्रोग्राम कैसे करना है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कैसे लिखना है, सो रिमेंबर दिस। ठीक है, सो मेमोरी एड्रेस, लेबल, निमोनिक्स, ऑपकोड, कमेंट्स, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, ये सब आपको लगेगा इन योर प्रैक्टिकल, बट इन योर बोर्ड एग्जाम यू हैव टू ओनली राइट लेबल, निमोनिक्स एंड कमेंट्स। नो नीड टू राइट द ऑपकोड एंड मेमोरी एड्रेस। बोर्ड एग्जाम में मेमोरी एड्रेस, ऑपकोड ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये सब आपके प्रैक्टिकल के लिए होती है। ठीक है, बट बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 5 marks चाहिए, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन का वी हैव टू ओनली राइट द निमोनिक्स, लेबल, निमोनिक्स एंड कमेंट्स। ओके, चलो, सो वॉट इज दिस? इंस्टेड ऑफ रीडिंग वी कैन एक्चुअली टेक एन एग्जाम्पल एंड वी कैन अंडरस्टैंड इट। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। लेवल वाइज जाएंगे, धीरे धीरे करके बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और सब कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट करवाएंगे। ठीक है, चलो, सो देख लेते एक बार, सब ठीक है? यस, एवरीथिंग इज गुड टू गो। यस, सो व्हाट इज ALP, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन सेइंग, एक बार रीड करो, आप भी रीड करो, मैं भी रीड करता हूँ। सो क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दैट इज ALP। हमें क्या करना है, ALP लिखना है टू एड टू हेक्साडेसिमल नंबर्स दैट इज 12H एंड 7AH, स्टोर द सम टू मेमोरी लोकेशन C000H। बेसिकली करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ना दो नंबर्स का एडिशन परफॉर्म करना है, और वो दो नंबर्स क्या है वो आपको दिया है ऑलरेडी। सो कौन दो नंबर्स के बीच में हम एडिशन परफॉर्म करना है, सी वी हैव टू परफॉर्म द एडिशन बिटवीन 12H एंड 7AH, इन दोनों के बीच में हमें एडिशन परफॉर्म करना है।
एंड इसका जो भी रिजल्ट आएगा एडिशन परफॉर्म करने के बाद यू विल गेट अ रिजल्ट एंड द रिजल्ट हैज टू बी देन स्टोर्ड इन दिस लोकेशन। बट दिस इतना इजी क्वेश्चन है ना, इतना इजी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी 5 मार्क के लिए पूछेंगे नहीं। बोर्ड एग्जाम में आपको थोड़ा लेवल हाई लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, बट ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। बट स्टिल अगर हमें हाई लेवल पे जाना है तो धीरे 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 ही लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अचानक से जंप मार के भी चलेगा नहीं। चलो सो लेट्स स्टार्ट। सो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ना अपन पहले यहाँ पे ना उसका एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे उसका एनालिसिस करने के बाद देन हियर वी आर गोइंग टू सी द निमोनिक्स एंड कमेंट्स। ठीक है, हर क्वेश्चन में अपना यही प्रोटोकॉल रहेगा। यहाँ पे पहले उसका एनालिसिस पहले समझ के लेंगे और फिर डायरेक्टली कोडिंग। बट नो नीड टू राइट द एनालिसिस इन योर पेपर, नो बडी इज गोइंग टू गिव द मार्क्स फॉर द एनालिसिस। यू हैव टू डायरेक्टली डू द निमोनिक्स एंड कमेंट्स। ओके, सो पहले समझ के लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं। सी, हमें क्या करना है, 12H एंड 7AH का एडिशन करना है। ठीक है, ये बस एक एग्जाम्पल है, 12H एंड 7AH का एडिशन करना है। बट अपना माइक्रो प्रोसेसर तो आपको पता है ना, इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट करता है और फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, बराबर। सो 12H एंड 7AH इसका अगर आप एक्चुअल में एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा 8CH। कैसे, देखो बाइनरी में कन्वर्जन क्या, ये कैसे करना है, क्या करना है, ऑलरेडी हमने सब कुछ इंस्ट्रक्शन सेट के वीडियो में डिस्कस किया है। ये वीडियो का मेन इंटेंशन है टू अंडरस्टैंड द कोडिंग, राइट, सो नॉट टू अंडरस्टैंड दिस, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, राइट। सो हमें बेसिकली एडिशन परफॉर्म करना है। किसका एडिशन परफॉर्म करना है, वी हैव टू परफॉर्म द एडिशन बिटवीन 12H एंड 7AH। ठीक है, ये दो नंबर्स का हमें बेसिकली एडिशन परफॉर्म करना है, राइट। सो ये दो नंबर्स का एडिशन परफॉर्म करने के लिए, अच्छा ये दो नंबर्स का एडिशन परफॉर्म करने के लिए पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। सो 1 एंड दिस इज 2, 7 को हम ऐसे लिखते हैं, 7 को हम ऐसे लिखते हैं एंड A को हम ऐसे लिखते हैं, और आप अगर इनका बाइनरी एडिशन करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 8C। अच्छा, ये एडिशन करने के लिए अपने पास ना 3 इंस्ट्रक्शंस होता है, वी हैव द 3 इंस्ट्रक्शंस, राइट। बट आउट ऑफ विच वी कैन यूज ओनली द एड आर एंड वी कैन यूज द ADI डेटा, वी कैन नॉट यूज द एड एम। हम एड एम इंस्ट्रक्शन को यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते, बिकॉज आपको यहाँ पे मेमोरी लोकेशन दिया नहीं है, आपको ऑलरेडी आपका ऑपरेंट्स पता है, दिस इज योर फर्स्ट ऑपरेंट एंड दिस इज योर सेकंड ऑपरेंट, आपको ऑलरेडी ऑपरेंट्स पता है, इसके लिए आपको मेमोरी की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली एड आर कर सकते हो या ADI डेटा कर सकते हो। अभी एड आर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने ऑलरेडी माइक्रोप्रोसेसर ATDFM में सीखा है, आपका एक ऑपरेंड कंपलसरी आपके एक्यूमुलेटर के अंदर चाहिए। आपका एक ऑपरेंड कहाँ पे चाहिए, कंपलसरी एक्यूमुलेटर के अंदर चाहिए, और दूसरा ऑपरेंड को रख दो रजिस्टर बी के अंदर, सो आपका एक ऑपरेंड रहेगा एक्यूमुलेटर के अंदर एंड आपका सेकंड ऑपरेंड रहेगा रजिस्टर बी के अंदर। आपको पता है एड, अगर मैंने फायर किया एड बी, सो एड बी का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटर का वैल्यू प्लस रजिस्टर बी का वैल्यू, इनके बीच में एडिशन होगा और इसका रिजल्ट स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में। सो इन शॉर्ट हमें एक्यूमुलेटर में क्या मिलेगा, एक्यूमुलेटर में मिलेगा रिजल्ट, राइट। सो हमने 2 नंबर का एडिशन कर लिया, ये कैसे हुआ, बाय यूजिंग द एड आर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और यही चीज़ को हम लोग ADI डेटा से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ADI डेटा से। सो आपको ये ऑपरेंड को कंपलसरी लेके जाना पड़ेगा एक्यूमुलेटर के अंदर, कंपलसरी वी हैव टू कीप 1 ऑपरेंड इन द एक्यूमुलेटर एंड दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ डेटा। आप इंस्ट्रक्शन में फायर कर दो, सो आप इंस्ट्रक्शन ऐसे फायर करो ADI 7AH, आप इंस्ट्रक्शन ऐसे फायर कर दो। ये इंस्ट्रक्शन का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, आपका एक्यूमुलेटर का वैल्यू और आपका डेटा, डेटा का मतलब होता है 7AH, इनके बीच में एडिशन होगा और इसका रिजल्ट जो भी होगा दैट रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। सो आपका एक्यूमुलेटर के अंदर आ गया, रिजल्ट। सो आप एक तो एड आर का ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हो या तो ADI डेटा कर सकते हो, आपकी मर्जी, बट यहाँ पे एड एम नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे आपको मेमोरी दिया नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे वही बोला है, यहाँ पे भी आपको ADI डेटा, अच्छा ADI डेटा कैसे करना है, देखो एक्यूमुलेटर के अंदर एक ऑपरेंड रहेगा दैट इज 12H। अच्छा, एक ऑपरेंड बाय डिफॉल्ट, एक ऑपरेंड कंपलसरी आपको एक्यूमुलेटर के अंदर ही रखना है। अभी कुछ लोग बोलेगे क्यों, काय को, पहला चैप्टर में ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 समझाते वक्त ही बोला था, इफ़ यू वॉन्ट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, अगर आप में एक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वी हैव टू स्टोर 1 ऑपरेंड इन द एक्यूमुलेटर, देन ओनली वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन, राइट। सो एंड डेटा को हम इंस्ट्रक्शन के थ्रू फायर करेंगे, सो ADI 7AH करो, आपका रिजल्ट मिल जाएगा और आपके रिजल्ट को इस लोकेशन पे स्टोर कर दो, हो गया काम। चलो सो ये एग्जैक्टली कैसे करना है, इसका कोड हम डिस्कस करते हैं। या सो दिस इज द कोड इन फ्रंट ऑफ यू,
सो एक ऐसे कंप्लीट करना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सी क्या करना है यहाँ पे, हाँ हमने अभी एडीआई डेटा का यूज़ किया, हमने इस क्वेश्चन में एडीआई डेटा का यूज़ किया, ठीक है। चलो सो लेट्स स्टार्ट द इंस्ट्रक्शन सेट, लेट्स स्टार्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को शुरू करते हैं, ठीक है। सो क्या क्या लिखना है आपको, निमोनिक्स लिखना है और आपको कमेंट्स लिखना है, राइट। वी हैव टू राइट ऑन द निमोनिक्स एंड कमेंट्स। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर को लोड करना पड़ेगा एक ऑपरेंड से, एक्यूमुलेटर को पहले ऑपरेंड से लोड करना पड़ेगा। सो एक्यूमुलेटर को पहले ऑपरेंड से लोड करने के लिए आपको फायर करना पड़ेगा MVI A,12H। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ MVI A,12H? MVI क्या करेगा, MVI मूव इमीडिएट, MV का मतलब होता है मूव, I का मतलब होता है इमीडिएट। अभी ये डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर जाएगा, तो ये इंस्ट्रक्शन फायर करने का रीजन क्या था, हम एक्यूमुलेटर को लोड कर सकते हैं 2LH से। सो 2LH विल गो इन द एक्यूमुलेटर। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर, सिंपल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर, इन एक्यूमुलेटर वी विल हैव 2LH। सो बाय विच इंस्ट्रक्शन वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर 2LH, MVI A,12H, क्लियर। चलो उसके बाद हमने क्या फायर किया, ADI 7EH, डायरेक्टली अपने मुद्दे पे आ गए, ADI 7H। अभी ADI 7EH का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटर का वैल्यू और आपका 7AH, एक्यूमुलेटर के अंदर कौन है 2LH प्लस 7AH, इनके बीच में एडिशन होगा और इसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, इसका रिजल्ट स्टोर होगा एक्यूमुलेटर के अंदर ही, इसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा एक्यूमुलेटर के अंदर ही। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट एंड 7AH इनके बीच में एडिशन परफॉर्म होगा एंड इनका जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर इटसेल्फ। चलो हो गया अपना, अरे अपना ऑपरेशन हो गया, अपना एडिशन हो गया, अपना एडिशन हो गया, 2LH और 7H के बीच में एडिशन हो गया, हाँ ना। एक्यूमुलेटर के अंदर में 12 को लोड किया, 7 को इंस्ट्रक्शन में फायर किया, ऐड हो गया, इसका रिजल्ट स्टोर हो गया एक्यूमुलेटर के अंदर। अभी अपना रिजल्ट को स्टोर करना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टोर सम टू द मेमोरी लोकेशन C000H करके एक लोकेशन है, उस लोकेशन में हमें अपना रिजल्ट को स्टोर करना है। सो उस लोकेशन में हमें अपने रिजल्ट को स्टोर करने के लिए अपने पास एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता है कॉल्ड एस STACCCCH। Now what is STACCCH? STA का मतलब होता है store the content of accumulator, इस instruction का मतलब सुन लो, store the content of accumulator to the memory location C000H। After firing this instruction, accumulator के अंदर जो भी value रहेगा वो चला जाएगा ये location के अंदर। जैसे STA था वैसे अपने पास और एक instruction है LDA, इसमें दोनों instruction में confuse नहीं होने का। अगर मैंने फायर किया LDA C000H, अगर ये इंस्ट्रक्शन मैंने फायर किया तो इसका मतलब होता है हम ये एड्रेस से एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू भरेंगे। सो ये मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी डेटा रहेगा उसको हम लेके आएंगे एक्यूमुलेटर के अंदर। बट अगर मैंने स्टोर बोला, स्टोर का मतलब होता है उल्टा, स्टोर का मतलब होता है एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम लेके जाएंगे इस मेमोरी लोकेशन के अंदर, ठीक है। सो हमें वही करना था, स्टोर सम टू द मेमोरी लोकेशन C000H। सो ये इंस्ट्रक्शन फायर करते ही एक्यूमुलेटर का वैल्यू ये लोकेशन पे चला जाएगा। देखो एक्यूमुलेटर का वैल्यू ये लोकेशन पे चला जाएगा एंड हो गया, अपना रिजल्ट वो लोकेशन पे आ गया। तो हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप द माइक्रोप्रोसेसर, हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप द माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोप्रोसेसर स्टॉप हो गया तो अपना कोडिंग खत्म। सो लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, आपको हर एक ALP के बाद लेंथ ऑफ द प्रोग्राम कंपलसर लिखना है, कोई आपको बोलेगा नहीं बट कंपलसर लिखना है, बोर्ड एग्जाम में अगर आपको टॉप परसेंटेज या टॉप मार्क्स स्कोर करना है तो। हाउ टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, आपको पता है सिर्फ इंस्ट्रक्शन रहेगा, इफ वी हैव ओनली इंस्ट्रक्शन देन दैट इज ऑफ 1 byte, इफ वी हैव इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा देन दैट इज ऑफ 2 byte, एंड इफ वी हैव इंस्ट्रक्शन प्लस मेमोरी एड्रेस देन दैट इज ऑफ 3 byte। यू ऑल नो दिस वेरी वेल, राइट। सो सी हियर वी हैव इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा, सो दिस इज ऑफ 2 byte, दिख रहा है ना आपको, ये हो गया इंस्ट्रक्शन, ये हो गया डेटा, सो इसको लगेगा 2 byte, इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा इसको भी लगेगा 2 byte, इंस्ट्रक्शन प्लस एड्रेस इसको लगेगा 3 byte एंड ओनली इंस्ट्रक्शन इसको लगेगा 1 byte। सो आप जब इन सबको ऐड करोगे 2 + 2 = 4, 4 + 3 = 7 एंड 7 + 1 टोटल इट विल टेक 8 byte। सो ये प्रोग्राम रन होने के लिए कितना बाइट लगेगा, 8 byte। सो टोटल लेंथ ऑफ द प्रोग्राम विल बी 8 byte। सो ये बाइट कैलकुलेशन आपको मोस्टली आपके प्रैक्टिकल्स में काम आएगा, ठीक है। सो बाइट कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो इसको याद रखना, नहीं समझा रहेगा तो पीछे जाओ फिर से सुनो, ठीक है। बट कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक इसको आगे जाना नहीं है, ठीक है। सो एवरीवन यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, अभी हमने एक सोल्यूशन देखा बाय ADI डेटा, बट वी हैव मोर वन सोल्यूशन। व्हाट इज द मोर वन सोल्यूशन, वी हैव एड आर। सो एड आर को यूज करके भी हम लोग ये कर सकते हैं ना, अरे अपने पास और एक सोल्यूशन है एड आर। सो एड आर से कैसे होगा वो डिस्कस करते, चलो। सो अभी क्वेश्चन तो चेंज नहीं हुआ, बट हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ADI डेटा अपने उस और एक सोल्यूशन है वो भी डिस्कस कर लेंगे। हम लोग अभी करने वाले
ये नो को कलर, हाँ चलो एडीआई डेटा को छोड़ के अब हम देखेंगे एड आर से कैसे करेंगे, ठीक है। एड आर करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एड आर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर के अंदर एक ऑपरेंड को चुपचाप लेके जाओ, रजिस्टर बी के अंदर एक ऑपरेंड को चुपचाप लेके जाओ, एडिशन करो बाय एड बी एंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। एक्यूमुलेटर के अंदर मिलने के बाद एवरीबडी नोस एक्यूमुलेटर के अंदर आपको रिजल्ट मिलने के बाद एक्यूमुलेटर का वैल्यू मेमोरी लोकेशन में लेके जाने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन है, STA या सो बाय यूजिंग STA वी कैन टेक द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द मेमोरी लोकेशन C000H। सिंपल सिंपल, चलो ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर को लोड करेंगे किससे, अपने पहले ऑपरेंड। सो व्हाट इज द फर्स्ट ऑपरेंड क्वेश्चन में दिया है, अपना पहला ऑपरेंड है 12H। सो आफ्टर फायरिंग दिस इंस्ट्रक्शन, आफ्टर फायरिंग MVI A,12H, दिस 12H विल बी लोडेड इन द एक्यूमुलेटर। सो एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या बन गया, 12H। वैसे रजिस्टर बी को भी लोड करना पड़ेगा, सो MVI B,7AH, ये इंस्ट्रक्शन फायर करने से डेटा 7AH इज गोइंग टू गो इन द रजिस्टर बी। सो आपके रजिस्टर ए के अंदर पहला ऑपरेंड है और आपके रजिस्टर बी के अंदर आपका सेकंड ऑपरेंड है। नाउ वी कैन फायर एड बी। अभी एड बी का इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटर का वैल्यू प्लस रजिस्टर बी का वैल्यू, इनके बीच में एडिशन होगा और अपना रिजल्ट जो रहेगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। यू कैन सी हियर एक्यूमुलेटर का वैल्यू और रजिस्टर बी का वैल्यू, इनके बीच में एडिशन होगा और इसका जो भी रिजल्ट रहेगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर, राइट। सो हो गया अपना एडिशन, हम अपना एड बी यहाँ पे आएगा 12H, यहाँ पे आएगा 12H प्लस 7AH। सो हो गया ना अल्टीमेटली इनका एडिशन और इसका रिजल्ट जो भी रहेगा, इसका रिजल्ट जो भी रहेगा 8CH, 8CH विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। सो अभी एक्यूमुलेटर का अपडेटेड वैल्यू क्या है, सो व्हाट इज अपडेटेड वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर, 8CH। सो 8CH विल बी द अपडेटेड वैल्यू ऑफ द एक्यूमुलेटर एंड माय डियर फ्रेंड्स दैट इज ओनली आवर रिजल्ट। वही तो अपना रिजल्ट है, समझा, यही तो अपना रिजल्ट है। चलो अब हमें अपना रिजल्ट मिल गया और अपना रिजल्ट है एक्यूमुलेटर के अंदर। सो एक्यूमुलेटर का रिजल्ट अगर आपको ये मेमोरी लोकेशन के अंदर लेके जाना है, ये मेमोरी लोकेशन के अंदर आपको एक्यूमुलेटर का रिजल्ट लेके जाना है, वी हैव इंस्ट्रक्शन STA C000H, यस। सो आफ्टर फायरिंग STA स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द मेमोरी लोकेशन C000H। सो एक्यूमुलेटर का वैल्यू ये लोकेशन पे चला जाएगा, खत्म हो गया अपना, एंड हॉल्ट मीन स्टॉप द प्रोग्राम। चलो सो आई होप सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो क्लियर। लेंथ ऑफ द प्रोग्राम कैलकुलेट करते, इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा रहेगा तो 2 byte, इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा रहेगा तो 2 byte, इंस्ट्रक्शन रहेगा तो 1 byte, इंस्ट्रक्शन प्लस एड्रेस रहेगा तो 3 byte एंड सिर्फ इंस्ट्रक्शन रहेगा तो 1 byte। सो टोटल इट विल टेक 9 byte। सो ये प्रोग्राम को रन होने के लिए इट विल टेक 9 byte, देख लो ना, 4 5 6 7 8 प्लस 1 9, सो इट विल टेक 9 byte। इज दैट क्लियर एवरीबडी, ठीक है। हाँ, अब कमेंट्स ऐसे लिखना नहीं है, कमेंट्स आपको इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। एक क्वेश्चन का कमेंट्स कैसे लिखना है सुन लो, बाकी सारे क्वेश्चंस का कमेंट्स आप खुद से लिख सकते हो। सो हाउ टू राइट द कमेंट MVI A,12H, इसका कमेंट कैसे लिखने का, MVI A,12H, सी कमेंट कैसे लिखेगा, दिस इंस्ट्रक्शन ध्यान सुनो, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू लोड द डेटा 12H टू द एक्यूमुलेटर कंटेंट, MVI B,7AH, इसका कमेंट, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू लोड द डेटा 7AH टू द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी, एड बी, कमेंट सुन लो, एड बी, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू एड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विथ रजिस्टर बी एंड स्टोर द रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर। समझ आ रहा है, जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा वही हमें कमेंट के फॉर्म में लिखना है। STA C000H, what is STA C000H, this instruction is used to store the content of accumulator to the memory location C000H. So after firing this instruction we can store the content of accumulator to the memory location C000H. Halt, this instruction is used to stop the microprocessor. So ye instruction ko use karke hum log microprocessor ko stop kar sakte hain, समझा कमेंट कैसे लिखने का। सो कमेंट आपको जैसे मैं अभी मैंने बोला वैसे लिखना है, किसी को कमेंट फिर से सुनना है वीडियो को पीछे लेके जाओ, कमेंट्स को एक बार सुनो, दो बार सुनो, नहीं समझा तो 3 बार सुनो, बस मैंने क्या बोला इंस्ट्रक्शन को कैसे एक्सप्लेन करके लिखना है वही आपके कमेंट में लिखना है। गॉट इट एवरीबडी। चलो सो आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। सो आफ्टर दिस यू कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग, राइट एन ALP, आपको क्या करना है, एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है टू एड कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन C000H विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन D000H एंड स्टोर
द रिजल्ट इन द मेमोरी लोकेशन एंड स्टोर द 8-बिट रिजल्ट टू E000H। मतलब पहले क्वेश्चन को समझने का, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो आर फर्स्ट, यहाँ पे भी एडिशन ही करना है, सी माई डियर फ्रेंड, यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी एडिशन ही करना है। सो अपना एडिशन, सी एडिशन करने के लिए कॉमन सेंस, वी रिक्वायर टू नंबर्स। सो आर फर्स्ट नंबर इज स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन C000H, द सेकेंड नंबर इज स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन D000H, एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड, अच्छा रिजल्ट, रिजल्ट हमें जो मिलेगा वो रिजल्ट को हम स्टोर करेंगे E000H में। समझा क्वेश्चन? प्रीटी सिंपल, राइट? सो वील गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ चलो, ये कैसे होगा इसका एनालिसिस। अच्छा, ये सब एग्जाम में लिखते बैठना नहीं है। अगर आपने ये सब एग्जाम में लिखा तो भी आपको कोई मार्क्स देने वाला नहीं है। एग्जाम में व्हाट इज एक्सपेक्टेड, निमोनिक्स एंड कमेंट्स। कमेंट्स अच्छे से, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना, ठीक है? सो देखो, C000H, पे अटेंशन, C000H में अपना पहला नंबर है, राइट? सो यू कैन सी हियर, C000H में अपना फर्स्ट नंबर है, D000 में अपना सेकंड नंबर है, E000 में इनका एडिशन करने के बाद, अभी 3+2 इनका एडिशन करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ये लोकेशन पे स्टोर होना चाहिए। सो इसका एडिशन कैसे होता है, दैट यू नो वेरी वेल, ऑलरेडी हमने इंस्ट्रक्शन सेट में सीखा है। हाँ, अब ये परफॉर्म करने के लिए, मुद्दे पे आते हैं, ये परफॉर्म करने के लिए अपने पास दो इंस्ट्रक्शन है, एक होता है एड आर और एक होता है एड एम। हियर वी कैन नॉट यूज द ADI डेटा। अच्छा, क्यों यूज नहीं कर सकते ADI डेटा? थोड़ा सोचो, ADI डेटा को क्यों यूज नहीं कर सकते? बिकॉज इन द क्वेश्चन वी हैव गॉट द मेमोरी लोकेशंस, कैन यू सी मेमोरी लोकेशन, बट इस मेमोरी लोकेशन के अंदर डेटा कुछ भी हो सकता है ना। सो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में डेटा कैसे क्या फायर कर सकते, इंस्ट्रक्शन में डेटा कैसे क्या फायर कर सकते, बिकॉज वो लोकेशन के अंदर कौन है नहीं पता। सो उस लोकेशन के अंदर कोई भी रहने, हमें ऐसे एज्यूम करना है उसके अंदर एक नंबर है, उस नंबर को एडिशन करना है, ऐसे हमें एज्यूम करना है। वी कैन नॉट टेक देर इज 3, देर इज 2, ये बस एग्जांपल है रे भाई, ये बस एग्जांपल के लिए लिया है मैंने। अभी तुम बोलोगे सर यहाँ पे आपने तो लिखा है 3 एंड 2, अरे भाई ये एग्जांपल के लिए लिया है, बट उस लोकेशन के अंदर कोई भी हो सकता है, उस लोकेशन के अंदर कोई भी डेटा हो सकता है। चलो, सो अगर आपका ये क्लियर है, सो लेट स्टार्ट। सो यहाँ पे आप दो इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो, एक तो एड आर या तो एड एम। कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, बेसिकली ऐड आर करोगे तो C000H में जो डेटा है उसको लेके जाओ एक्यूमुलेटर के अंदर, D000H में जो डेटा है उसको लेके जाओ रजिस्टर बी के अंदर, फायर कर दो ऐड बी एंड यू गॉट द रिजल्ट। एंड आपको पता ही है, रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर करने के लिए या रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में लेके जाने के लिए STA करना पड़ेगा, राइट? चलो, सो हम देखते हैं, यहाँ पे भी अपने पास दो सॉल्यूशन है, पहले हम ऐड आर से करके देखेंगे और फिर ऐड एम से भी करके देखेंगे। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग सॉल्यूशन 1, वी हैव टू सॉल्यूशन बेसिकली, राइट? वी हैव टू सॉल्यूशन, फर्स्ट विल डिस्कस दिस विद ऐड आर, देन वी विल डिस्कस विद द ऐड एम। चलो, सो व्हाट इज ऐड आर? ऐड आर का इंटेंशन क्या था? एक डेटा को लेके जाने का एक्यूमुलेटर के अंदर और एक डेटा को लेके जाने का रजिस्टर बी के अंदर, ये अपना इंटेंशन है। और हम फायर करके ऐड इंस्ट्रक्शन फायर करेंगे, ऐड बी मतलब ऐड आर, ऐड रजिस्टर करेंगे, ठीक है? चलो, सबसे पहला क्या है, यहाँ पे क्या बोला है, LDAC000H। जैसे अब तक हमने डिस्कस किया था STA, वैसे LDA का मतलब क्या होता है, लोड। लोड मतलब मेमोरी से लेके आना, मेमोरी से एक्यूमुलेटर की तरफ लेके आना, उसको हम बोलते हैं लोड। स्टोर मतलब एक्यूमुलेटर से मेमोरी में लेके जाना। राइट इट डाउन समवेयर, ठीक है? सो लोड का मतलब होता है वी हैव टू टेक द कंटेंट फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन टू एक्यूमुलेटर, ठीक है? सो हम क्या करेंगे, LDA C000H का मतलब होता है C000H, ये लोकेशन पे जो भी डेटा रहेगा वो डेटा आ जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। सो अभी हमने जो एग्जांपल लिया उस एग्जांपल में C000H के अंदर कौन है, 03H। सो आफ्टर फायरिंग दिस इंस्ट्रक्शन व्हाट विल हैपन, एक्यूमुलेटर विल बी लोडेड विद 03। अगेन आई एम टेलिंग यू फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, 03, 02 हमने एज्यूम किया है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, हमें एज्यूम करना है वहाँ पे 03, 02 के ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है, बट अभी समझने के लिए हमने 03, 02 लिया है, ठीक है? चलो, उसके बाद हम क्या करेंगे, सी अभी ना हमने एक्यूमुलेटर के अंदर लोड किया 03। सी अगेन हमें ये वाला इंस्ट्रक्शन फायर करना पड़ेगा, बिकॉज हमें ये वाले लोकेशन से ये डेटा लाने के लिए फिर से LDA फायर करना पड़ेगा। बट अगर आप डायरेक्टली LDA फायर करते हो तो आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट लॉस हो सकता है, आपके एक्यूमुलेटर का कंटेंट ओवरराइट हो सकता है, सो आपका एडिशन परफॉर्म होगा नहीं। सो हमें इसका बैकअप लेना पड़ेगा, हम एक रजिस्ट्री के अंदर ना ये डेटा को कॉपी करके रखते हैं। क्यों कॉपी करके रखना है? बैकअप, बिकॉज हमें ये वाला इंस्ट्रक्शन फिर से फायर करना है। अच्छा, अगर मैंने बैकअप नहीं लिया एंड अगर मैंने फिर ये इंस्ट्रक्शन फायर किया LDA D000H, तो एक्यूमुलेटर के अंदर 03 था ना, एक्यूमुलेटर विल बी अपडेटेड विद 02,
थ्री किधर गया, गया थ्री गया, थ्री गया, एडिशन नहीं होगा, समझ में आ रहा है? इसके लिए आपको पहले बैकअप लेना पड़ेगा रे, बैकअप लेना पड़ेगा। सो आपको ये थ्री का बैकअप लेना पड़ेगा, फिर आपको टू लाना पड़ेगा। सो थ्री का बैकअप लेने के लिए आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है, मूव बी कॉमा ए। सो मूव बी कॉमा ए इंस्ट्रक्शन फायर करते ही आपका एक्यूमुलेटर के अंदर का जो भी डेटा है वो चला जाएगा रजिस्टर बी के अंदर। सो अभी रजिस्टर बी का वैल्यू क्या हो गया, 03। अच्छा ये मोमेंट तक, फिर रजिस्टर ए का वैल्यू क्या था, वो भी 03 रहेगा, बट अभी 3 चेंज होने वाला है ना, 3 चेंज हो रहा है बिकॉज हम उसके अंदर 2 को लोड करने वाले, बरोबर। सो अब भी के लिए रजिस्टर बी के अंदर भी 03 है और एक्यूमुलेटर के अंदर भी 03 है। चलो नाउ लेट्स फायर दिस इंस्ट्रक्शन LDA D000H। अभी LDA का मतलब क्या होता है, लोड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। लोड का मतलब क्या होता है, मेमोरी लोकेशन से वो डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर लाइए। कौन से मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन में जो दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन में कौन है, D000H। चलो D000H में कौन है, 02। अब भी के लिए 02, बट कोई भी हो सकता है। सो ये लोकेशन का डेटा आ जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर, तो अल्टीमेटली एक्यूमुलेटर का वैल्यू हो जाएगा 02। एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 02। इज दैट क्लियर। सोचो ना, देखो ना, अभी बी के अंदर आपका एक नंबर है और ए के अंदर आपका सेकंड नंबर है, 03, 02, इनके बीच में तो एडिशन करना था। अगर आप बैकअप नहीं लोगे तो आपका 03 था तो वो ओवर राइट हो जाएगा 02, तो 02 का एडिशन करके क्या ही मिलने वाला आपको, ठीक है, गलत आंसर मिलेगा। नाउ वी हैव टू फायर एड बी। एड बी का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट और रजिस्टर बी का कंटेंट, इनके बीच में हम एडिशन परफॉर्म करेंगे और इसका रिजल्ट स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर के अंदर, राइट। इसका रिजल्ट स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर के अंदर। सो मैंने फायर किया एड बी। एड बी का मतलब होता है एक्यूमुलेटर का वैल्यू रजिस्टर बी का वैल्यू। एक्यूमुलेटर के अंदर है 2 एंड रजिस्टर बी के अंदर है 3। इनका एडिशन होने के बाद इसका जो भी रिजल्ट रहेगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। हो गया अपना काम। अभी अपना रिजल्ट किसके पास है, रिजल्ट है अपना रजिस्टर, अपना रिजल्ट है एक्यूमुलेटर के पास। नाउ द रिजल्ट इज विद द एक्यूमुलेटर। सो एक्यूमुलेटर का रिजल्ट मेमोरी लोकेशन पे लेके जाना है। कौन से मेमोरी लोकेशन यार, सी स्टोर द 8-bit रिजल्ट। कैन यू सी योर रिजल्ट, स्टोर द 8-bit रिजल्ट टू द मेमोरी लोकेशन E000H, ठीक है। सो आपको रिजल्ट को कहाँ पे स्टोर करना है, E000H। सो सी आफ्टर फायरिंग दिस इंस्ट्रक्शन, आफ्टर फायरिंग STA, E000H का जो भी, आफ्टर फायरिंग दिस इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर का जो भी डेटा है वो चला जाएगा E000H के अंदर। सो एक्यूमुलेटर वैल्यू विल बी शिफ्टेड टू दिस मेमोरी लोकेशन। वही तो हमें चाहिए था। हो गया, तो हॉल्ट मीन्स स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे मेन मुद्दा कह रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमने ये वाला इंस्ट्रक्शन क्यों यूज़ किया। पहले ये इंस्ट्रक्शन फायर किया पहला ऑपरेंड लाने के लिए, फिर पहला ऑपरेंड का बैकअप लिया हमने, फिर हमने सेकंड ऑपरेंड लाया, फिर हमने उन दोनों को ऐड किया और उनका रिजल्ट हमने स्टोर किया और स्टॉप किया। अगर आप लेंथ कैलकुलेट करोगे आपको लेंथ मिलेगा 12 byte। अभी लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है आपको पता है, कैलकुलेट करके चेक कर लो। चलो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा वही क्वेश्चन है, अरे भाई क्वेश्चन वही है, बस हमने अभी यहाँ पे सेकंड सॉल्यूशन यूज़ किया है, ठीक है। क्वेश्चन अपना वही है, बट हम अभी क्या करने वाले, इसके पहले हमने क्या किया था, ऐड आर से किया था, अब हम करने वाले ऐड एम, ठीक है। ऐड एम का मतलब ऐड विथ एम, मतलब मेमोरी, ठीक है। चलो सो इसका मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट को ऐड करेंगे मेमोरी के साथ और उसका रिजल्ट स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर के अंदर। वही है सीन। चलो सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर का घूम के उधर ही आ गया अपन। एक ऑपरेंड कंपलसरी होना चाहिए एक्यूमुलेटर के अंदर, आपका एक ऑपरेंड कंपलसरी होना चाहिए एक्यूमुलेटर के अंदर। सो सी हमने 03 को लोड किया एक्यूमुलेटर के अंदर और HL मतलब अपना मेमोरी के अंदर दूसरा ऑपरेंड रहेगा और हम ऐड एम फायर करेंगे। सो ऐड एम फायर करने के बाद आपको आपका एडिशन हो जाएगा, ठीक है। चलो सो लेट्स डू इट, बाकी पूरा वही है, ठीक है। चलो सो देखो आपके सामने सॉल्यूशन आ गया। चलो सॉल्यूशन को समझ के लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर के अंदर आपको पता है पहला स्टेप, एक्यूमुलेटर के अंदर आपको यहाँ का डेटा लोड करना है C000H के अंदर, जो भी पहला डेटा है उसको लोड करना है एक्यूमुलेटर के अंदर। चलो कर देते लोड। सो कैसे लोड करने का, LDA C000H, मतलब ये मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी डेटा है वो आ जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। सो अल्टीमेटली आपका एक्यूमुलेटर का वैल्यू बन जाएगा आपका पहला ऑपरेंड। सो आपका पहला ऑपरेंड क्या था, 03। सो 03 आपके एक्यूमुलेटर के अंदर आ गया।
उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला इंस्ट्रक्शन फायर किया, LXI H,D000H। अब ये इंस्ट्रक्शन का मतलब बताता हूँ, सुन लो। LXI का मतलब होता है लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। X का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला ना, X कौन होता है आपका, अरे वो X नहीं, आपका X कौन होता है, आपका X, X मतलब रजिस्टर पेयर, X मतलब रजिस्टर पेयर। सो लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट, सो लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट H, कॉमन सेंस रे, कॉमन सेंस। H बोलने के बाद HL, अगर मैंने बोला रहता LXI D, D मतलब DE, कॉमन सेंस रे, कॉमन सेंस। अगर मैंने बोला रहता LXI B, B मतलब C, BC, कॉमन सेंस, ठीक है। सो जब भी आपको बोला रहेगा लोड रजिस्टर पेयर H, सो उसका मतलब होता है लोड रजिस्टर पेयर HL, बट HL के अंदर कौन से एड्रेस को लोड करना है, दिया हुआ है ना D000H। सो D000H कहाँ पे लोड होगा, D000H कहाँ पे लोड होगा, आपका D000H लोड होगा HL के अंदर, दिख रहा है आपको। सो H के अंदर इसका हायर बिट रहेगा और L के अंदर लोअर बिट रहेगा। सो 00 इज द लोअर बिट एंड D0 इज द हायर बिट। सो ये आपके HL के अंदर लोड हो गया। अरे HL के अंदर लोड हो गया तो ये लोकेशन के अंदर जो डेटा था वो आ जाएगा आपका M, वो बन जाएगा आपका M। प्रिटी सिंपल, ऑलरेडी सब ने डिस्कस किया है, ठीक है। सो D000 मतलब जो एड्रेस HL के अंदर रहेगा ना, सिंपल रखते, जो एड्रेस HL के अंदर रहेगा ना, तो वो एड्रेस के अंदर जो डेटा रहेगा ना, दैट विल बी द M। समझा क्या रे, और एक बार बोलता, बहुत इंपॉर्टेंट है। HL के अंदर जो एड्रेस रहेगा तो वो एड्रेस के ऊपर एक डेटा रहेगा ना, तो वो डेटा बन जाएगा आपका M। ठीक है, नहीं समझा तो और एक बार सुन लो। समझा क्या सबको? सो HL के अंदर जो एड्रेस रहेगा, सो वो एड्रेस के अंदर एक डेटा रहेगा, वो डेटा रहेगा आपका M, राइट। चलो, सो ये इंस्ट्रक्शन फायर करने के बाद हमें इतना क्लियर हो गया, अपना M क्या रहेगा 02H, राइट। चलो ADD M फायर कर दो। ADD M का मतलब ये होता है एक्यूमुलेटर प्लस M। अभी एक्यूमुलेटर के अंदर कौन है, 03, और M के अंदर कौन है भाई, M के अंदर 02, हो गया ना एडिशन, खत्म। समझा कह रहे? सो ADD M का मतलब होता है A प्लस HL। HL के अंदर कौन है, HL के अंदर D0000, अभी उधर कौन है, 02, तो 02 आपका M बन जाएगा। तो ये पूरा हो जाएगा आपका 02 और ये पूरा रहेगा आपका 03, राइट। एंड इनका एडिशन होने के बाद आपको मिलेगा आपका रिजल्ट। सो अभी आपका रिजल्ट है एक्यूमुलेटर के पास, अभी आपका जो रिजल्ट है उसको स्टोर करना पड़ेगा E000 पे। सो स्टोर करने के लिए वी हैव द इंस्ट्रक्शन STA E000H। सो दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द मेमोरी लोकेशन E000H, ठीक है, क्लियर। एंड हॉल्ट मीन स्टॉप द प्रोग्राम, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज 11 byte। समझा क्या? ठीक है, सो थोड़ा समझ के इसको लिख लो। ठीक है, चलो, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज पहला वीडियो मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ठीक है। पहला ही वीडियो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया तो नोको बाबा ELP गेले बाबा धामर्ग, ऐसे मत करो, ठीक है। पहला वीडियो इसको सिंपल रखने के लिए आई ब्रॉट ओनली 3 questions, तो 3 questions को समझ लेंगे, तान मत लो ज़्यादा, शांत रहो, ठीक है। कंसेप्ट पे फोकस करो, ALP पे भरोसा रखो, इंस्ट्रक्शन पे भरोसा रखो, आपका निमोनिक्स बन जाएगा, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन क्या बोलता है पहले समझ के लेने का, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन C000H विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन C001H एंड स्टोर द रिजल्ट इन द C002H, ठीक है। अपना फर्स्ट नंबर C000 पे है, सेकेंड नंबर C001 पे है, तो ये यहाँ पे कोई एक नंबर है, जैसे कि 03, यहाँ पे एक नंबर है 02, एग्जाम्पल है, दिया हुआ नहीं है, एग्जाम्पल है, जस्ट एक अज्यूम कर रहा हूँ मैं, अज्यूम का मतलब समझ में आता ना, अज्यूम, ठीक है। और इनका एडिशन होने के बाद इसका रिजल्ट यहाँ पे स्टोर होना चाहिए, तो ऐसे कोडिंग आपको करना है, आपको ऐसे कोड करना है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ कॉमन दिख रहा है इनमें, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा है, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, कुछ तो सिमिलरिटी दिख रहा है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। अरे यार, सोचना तो पड़ेगा ना भाई, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है उसमें सिमिलैरिटी क्या दिख रहा है आपको? अच्छा, C000, अभी देखो कॉमन सेंस, C000 के बाद नेक्स्ट लोकेशन क्या रहेगा, C001, C001 का नेक्स्ट लोकेशन क्या रहेगा, C002। सो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं दीज आर
इन कंजिकेटिव मेमोरी लोकेशन, ठीक है, उसका और कोडिंग का कोई संबंध नहीं है, बट स्टिल आपको बताता मैं, कंजिकेटिव मेमोरी लोकेशन में, कंजिकेटिव मेमोरी लोकेशन में अपना ये है, ठीक है, चलो सो वी गो टू द नेक्स्ट पेज. हाँ सो एक काम करते हैं, डायरेक्टली अपन मेन पेज पे आते हैं. हाँ अभी देखो यहाँ पे कोडिंग भी है और यहाँ पे पहले इसका एनालिसिस भी है. डायरेक्टली कोडिंग पे जाना मना है, डायरेक्टली कोडिंग पे जाना नहीं, पहले इसको नहीं समझेगा अपन, डायरेक्टली डोंट गो ऑन द कोडिंग, पहले कोड नहीं, पहले इसको समझ के लेने का, पहले इसको समझ के लेने का. ओ बज गया, पहले इसको समझ के लेने का, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला है, C000 पे अपना पहला नंबर है, C001 पे अपना दूसरा नंबर है, और इसका जो भी एडिशन करके रिजल्ट आएगा वो अपना थर्ड लोकेशन पे रहेगा, ठीक है. तो एडिशन कैसे करने का, तो आपको पता ही है, एक ऑपरेंड कंपलसरी एक्यूमुलेटर के अंदर होना चाहिए और एक एम के अंदर रखो, फायर करो एड एम, आपका एडिशन हो जाएगा और रिजल्ट मिलेगा. रिजल्ट को स्टोर करने के लिए एस टी ए, पता है सब कुछ अपन को. चलो सो कोडिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम LXI करते हैं. LXI मीन्स व्हाट इज LXI, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट. LXI का मतलब होता है लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट. आप अपने HL को लोड कर रहे हो बाय दिस एड्रेस. अगर आपने HL को ये एड्रेस से लोड किया तो ये एड्रेस के अंदर जो डेटा रहेगा वो डेटा बन जाएगा आपका M. सो देखो बरा C000, सो C000 इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ. सो C000 के अंदर C000 आपका HL पॉइंट कर रहा है. सो ये डेटा रहेगा आपका M, ये एम नहीं रहेगा, ठीक है. आपका डेटा क्या रहेगा अभी, 03. सो यहाँ पे 03 आपका एम रहेगा, ठीक है, एम रहेगा आपका 03. सो अब इसका बैकअप लेना पड़ेगा बिकॉज अपन इसको फिर से फायर करने वाले, यहाँ अपन एच एल को इंक्रीमेंट करने वाले, तो आपका एम चेंज होने वाला है. अभी यहाँ पे एम चेंज होने वाला है, इसके लिए एम का बैकअप ले लो, सुन लो मेरी बात, एम का बैकअप ले लो. बैकअप कैसे लेंगे, मूव इंस्ट्रक्शन से. सो हम क्या करेंगे, एम का डेटा को एक्यूमुलेटर के अंदर मूव कर देंगे, तो अपना पहला ऑपरेंड चला जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर. सो आफ्टर फायरिंग मूव ए कॉमा एम, आफ्टर फायरिंग मूव ए कॉमा एम, तो आपका एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या बन जाएगा, 03, ठीक है. चलो अब हमने क्या किया, INXH, INXH का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट HL. अच्छा HL पेयर को इंक्रीमेंट किया, तो HL के अंदर कौन था, मेमोरी एड्रेस. मेमोरी एड्रेस क्या था, C000, बोलो C000 प्लस 1 C001. अभी ये आएगा आपको मेमोरी एड्रेस, तो ये बन जाएगा आपका M. अभी ये M नहीं है, अभी दिस विल बी योर M. सो अभी M के अंदर क्या आ गया, जैसे आपने HL को इंक्रीमेंट किया तो आपका M के अंदर आ गया 2, समझा क्या. जैसे आपने HL को इंक्रीमेंट किया, अरे HL इंक्रीमेंट किया आपका पहले HL के अंदर, मतलब ये HL के अंदर पहले ये एड्रेस था ना, तो आपने HL को इंक्रीमेंट किया ना, तो ये एड्रेस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका M. सो 02 विल बी योर M. सो सी हियर, 02 इज योर M. देन व्हाट इज A, 03. सो अल्टीमेटली नाउ वी हैव लोडेड आवर फर्स्ट ऑपरेंड इन एक्यूमुलेटर एंड द सेकेंड ऑपरेंड इन द M. अब हम फायर कर सकते हैं एड M. एड M का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटर और HL के अंदर जो भी डेटा रहेगा वो, HL के अंदर मतलब M, M के अंदर क्या है 2. सो यहाँ पे अल्टीमेटली एडिशन होगा 03 और 02 का. सो 03 यहाँ पे, 03 और यहाँ पे 02. सो इनका एडिशन को हमें मिलेगा 05. चलो हम फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट. अच्छा अभी HL कहाँ पे था, C001 पे था. ये स्टेप तक अपने HL के अंदर क्या था, C001. अभी जैसे ही मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करूँगा तो वो बन जाएगा C002. तो ये बन गया मेरा HL. अब मेरा HL के अंदर क्या रहेगा, ये HL के अंदर मेरा क्या रहेगा, C002, एंड दिस लोकेशन विल बिकम माय M. अब ये लोकेशन मेरा M बनेगा. सो उस लोकेशन के अंदर रिजल्ट को डाल देंगे, उस लोकेशन के अंदर रिजल्ट को मूव कर देंगे. सो मूव करने का क्या होता है, अच्छा अपना रिजल्ट किसके पास है, पहली बात, हु इज हैविंग द रिजल्ट, द रिजल्ट इज एक्यूमुलेटर. सो हम करेंगे मूव M, A, मतलब अपना एक्यूमुलेटर जो कि अपना रिजल्ट है वो चला जाएगा M के ऊपर. अभी M कौन, HL के अंदर कौन है, एड्रेस C002. तो ये लोकेशन बन गया अपना M. सो अपना रिजल्ट अभी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. स्टोर मतलब एक्यूमुलेटर से मेमोरी में जाएगा, ठीक है. सो स्टोर, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे मूव किया, ठीक है, स्टोर नहीं आएगा यहाँ पे, हमने यहाँ पे डायरेक्टली अपना, अपने पास ऑलरेडी लोकेशन था तो हमने बस एक्यूमुलेटर का वैल्यू को यहाँ पे मूव किया एंड देन स्टॉप, ठीक है. सो लेंथ ऑफ द प्रोग्राम देखो, इट इज 9 byte, ठीक है. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया. अभी पार्ट 2 में हम लोग और थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है. चलो मीट यू इन द पार्ट 2.